guys, welcome back in Veer Zone. I'm your friend Veer. So, दोस्तों यार आज मैं जाऊंगा Havelock और it's in a 4 o'clock in the morning. सुबह 4 बजे उठ गए हैं और यार सुबह 4 बजे कौन उठकर जाता है मुझे नहीं पता, बट लेकर जा रहे हैं. ये टूर है या फिर मुझे लग रहा है कि ये मतलब हंटर मार मार के घुमा रहे हैं यार. सुबह 4 बजे, अभी 1 बजे सोए थे, 4 बजे उठना था, इट मीन्स 2 बजे आपको उठना ही पड़ेगा किसी भी हालत में. तो आंखें भी सूजी, सब कुछ सोचा हुआ है पूरा सोचा हुआ है. एनीवेज देखते हैं यार क्या कुछ होता है. बाकी सौरभ दूसरे रूम में सो रहा है शायद, तो सोने दो उसको. टिल देन आप भी तैयार होकर आ जाइए. बाकी चलेंगे Havelock, देन आफ्टर जाएंगे राधा बीच. Havelock में राधा बीच है और Havelock जाएंगे बाय क्रूज, फेरी बोलो क्रूज बोलो वट एवर जो भी है. तो हमारा बुक हुआ है ग्रीन ओशन 2nd. तो देखते हैं यार क्या कुछ होता है आज, कितना दिन एक्साइटेड होता है. सो लेट्स बिगिन. सो दोस्तों यार चल दिए हैं. सुबह 4 बजे मतलब कोई मतलब बनता सुबह 4 बजे का, मतलब किस एंगल से क्या सोचकर आप क्या ट्रैवल कर रहे हैं? यही मतलब ड्यूटी जा रहे हैं 4 बजे वैसे उठ जाता हूं सर. मतलब आप सोए 12-1 बजे हो और 3 बजे उठ गए. 3 बजे उठना है क्या? गए हाँ. सो गाइज कुछ चलते हैं क्रूज़. वैसे क्रूज़ तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इट्स एन ए गवर्नमेंट का प्रोसेस है कुछ समथिंग. इतना ज़्यादा नहीं सोचते सर, इतना है ही नहीं, इतना पता ही नहीं है. सो लेट्स सी कि क्या कुछ होगा. हम निकल चुके हैं इतना बड़ा सा बैग लेकर, चलते हैं. बाकी यहाँ देखिए काफ़ी सारे लोग आए, मुझे लगा मैं ही हूँगा बट नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं. सी ये देखिए काफ़ी सारे लोग हैं. मुझे लगा था हम ही बेवकूफ़ हैं बट सारे लोग ही बेवकूफ़ हैं. यहाँ से एंट्री करनी है. सौरभ यहाँ शॉर्टकट मारने की सोच रहा है, उसकी जो देखने का तरीका है कि शॉर्टकट ही मार दूँ. सो गाइस सौरभ को कर दिया बब बब और बोला लाइन में आ जाओ. तो देखो लाइन में लग गए हैं क्योंकि ये शॉर्टकट मारने की सोच रहा था, मैं आपको बता ही रहा था है ना. आपने सोचा था कि शॉर्टकट लग जाएगा बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको करना तो पड़ता ही है. मतलब तो लाइन तो लगानी ही पड़ेगी. सो चलो कोई बात नहीं, जब इतना सुबह सुबह उठे हैं, देखिए मुंह सूजा हुआ है, नाक सूजा है, सब कुछ सूजा हुआ है. वैसे मैं सूजा ही हुआ हूँ क्योंकि सोए नहीं है. ओहो सोए नहीं है. तो गाइस चल दिए हैं. नंबरिंग हो रही है 12, 11, 13. और यार मतलब दैट वाज रियली वेरी ऑसम. आप स्टार्टिंग देख सकते हैं सौरभ जी. ओ ये तो ग्रीन ओशन 2nd, ग्रीन ओशन 2nd हमारा. ओ वाओ ये ग्रीन ओशन 2nd में हम चल दिए हैं. वाओ जस्ट सी द सी एंड द ओशन एंड द क्रूज. दिस इज कॉल्ड क्रूज दोस्तों, जो मैं बोल रहा था बोट है बट नहीं, दैट वाज नॉट अ बोट. दैट्स अमेज अमेज. वो ये मेरे को लगा इसमें जाएंगे हम, बट ये शायद परमानेंट खड़ा है. और इस तरफ भी है, छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं, बट इसके ये तो देखो अच्छा, ये देखो छोटा सा ही है. वेरी नाइस वेरी नाइस, दैट्स ऑसम. सो गाइस दिस इज द ओशन, ग्रीन ओशन 2nd. शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा बट नो प्रॉब्लम. नो कर रहा हूँ, अटक गया हूँ बीच में, कई बार ऐसा हो जाता है. सो गाइस सो लेट्स चेक इट आउट कि आज एक्साइटेड डे होगा. 4 बजे उठने का मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा. ये देखो फोटो क्लिक कर रहा है, सेल्फिया सुल्फिया फोन दे रहे थे खिंच के, ये वही है. अच्छा कपिल को सेंड कर रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड उसको सेंड कर रहा है, दैट्स नाइस. Thank you.
टिकट, एक मिनट टिकट दिखाओ मुझे, मुझे यहाँ पर पकड़ लिया गया। तो यार एट लास्ट काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम आ चुके हैं, बैठ गए हैं, आ तो चुकी हैं बट बैठ गए हैं अल्टीमेटली। आपको सीट मिलना ऐसे लग रहा था मुझे जैसे ट्रेन वाली फील आ रही थी पहले स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में एरोप्लेन वाली फील, देन आफ्टर और हमारे ग्रुप को तोड़ दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, बाकी वो मॉर्निंग सुबह हो गई दोस्तों। सौरभ बाहर से कपड़ा मार के भाई शीशे पे, मतलब आप बताइए मुझे कि मतलब शीशा खोल दो उस तरफ रखो ना, वो तो ठीक है। नहीं आप इस बात पे नहीं, मैं फिर चलूँ। ठीक है, ये देखिए सर, देखिए देखिए दोस्तों, ये चल पड़ा है, किसी किसी का छोड़ भी जाता है। ओए ये मेरे को लगा इस पे बिठाएंगे, मैं तो खुश हो गया था, मजाक नहीं, बाहर से इसको देख कर ही खुश हुआ था, बट इन्होंने बड़ा दिखा के छोटा थमा दिया। ऐसे लग रहा है आ रहा है हमारी तरफ नानकोड़ी, नानगढ़े नानगढ़े ऐसे गला कर रहा है। इट वॉज फील लाइक दैट। ये देखिए ये उल्टा क्यों जा रहा है, हम किस तरह बैठे हैं, इस तरफ चलेगा क्या, ये उल्टा लग रहा है मुझे किसी एंगल से, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कंप्लीट प्रोसेस देख लीजिए सर, दोनों हाथों को इस पट्टी के बीच नीचे डालिए। ओके, पार करते हुए सामने की तरफ पट्टी से बांध, बांधना है दोस्तों सही, तो मैं बता ही रहा हूँ किसी एंगल से मुझे लग नहीं रहा है कि ये मतलब सरकारी जैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये बस जैसा ही लग रहा है, सीरियसली बस जैसा लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि मैं एक बस में, देखो ऐसे पैरों में बैठ सकते क्या ऐसा बस में ही बैठा जा सकता है, मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर रिकॉर्ड करना है और मेरी सीट है दोनों कॉर्नर पे। बट एडजस्टमेंट यार लाइफ में बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है मुझे, और इस पूरे ट्रिप में तो बहुत ही ज़्यादा की है मैंने, बता नहीं सकता कितनी की हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं वहाँ पर जाके एक बार फोटो क्लिक करा के फिर आऊँ वापस, सो इज़ इट पॉसिबल, हाँ रुकवा दो यार एक बार बात करते हैं, एक बार हम बात की ना अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए कहते हैं दोस्तों गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही होता है, ये ऐसे कुछ सोच सकता था कि ऐसे खड़े हो गए कोई अपने सीट से खड़े होकर, पर आपको देख रहे हैं सीट के ऊपर बैठे ही नहीं हो, आपको देख रहे हैं मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कह रहा तू देखा नहीं भाई, काम करता नहीं है टाइम पे, मैं रिकॉर्ड क्या दिखाऊँ, देखो ये पूरा देखिए कैबिन है, रियली नाइस, दैट्स ओके, इट्स नॉट दैट मच नाइस, बस ठीक है चलेगा। बाकी मेरे को ये खिड़की बड़ी पसंद आ रही है, मेरे पास तीन खिड़कियाँ हैं, वहाँ से कभी कभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ जल्दी बोलने वाला है ये लड़की क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है तू, सो सॉरी जी बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है अब तक, सर तिरछा लगा तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तिरछा ये बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही और सर ऐसे नहीं लगा ना, बता रहा हूँ वो कह रहा है उसे दिखाई नहीं दे रहा, अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हो, चल तो रहा है ना, बाकी मैंने वॉमिटिंग बैग ले लिया वॉमिट करने के लिए, और सॉरी दोस्तों ये
एक्चुअल में प्राइवेट फेरी है, क्रूज, प्राइवेट क्रूज है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद गवर्नमेंट है, बट सॉरी बोलो, सॉरी बोला मैंने, थैंक यू, थैंक यू तो बात वो बोलेगा ना, थैंक यू सॉरी बोल रहा है, सॉरी सॉरी, बाकी मैं ऐसे ही बैठा हूँ, क्या पता वॉमिट कब आ जाए, और बाकी ठीक है यार, ओके चल रहा है अभी तक तो, बट अगर इसमें शीशे होते तो ज़्यादा अच्छा ना, खोल कर बाहर निकाल कर दो, तो भाई इंडियंस आ रहे, इंडियंस का भी कोई सोच सकता है कि फॉरनर ऐसे चीज़ करने का, नहीं ना, इसलिए बोलते हैं इंडियंस आर गाइज, फाइनली आफ्टर 2 hours, 2 घंटे लग गए हैं पूरा सफ़र करने में, और ये सफ़र ही हो गया, सीरियसली ये सफ़र ही हो गया, राइट, ये कोई भी एंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बोरिंग था, सो ये चलो, ये सबसे पहले आया मैं, एग्जिट सबसे पहले, एंट्री सबसे, ओ नीचे से भी निकल रहे कुछ लोग, हो हर जगह से निकल रहे, ओ क्या नेचुरल ब्यूटी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट नेवरदलेस नो इशू, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से धूप है, बाकी देखिए सो गाइस, एट लास्ट वी रीच टू वेलकम टू हैव वॉक, तो आप सबका भी स्वागत है हैव वॉक में, बाकी यार देखते हैं क्या कुछ होगा, बाकी यहाँ पर सब खड़े, हमारे शायद कोई वेट कर रहा होगा, फॉर श्योर नहीं कर रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और सौरभ आगे आगे भाग रहा है बहुत ही स्पीड से, उसे लग रहा है जैसे वो अकेला ही जाएगा, और उसे बताओ सबको ही जाना है, एक ही साथ जाना है, कोई किसी को नहीं छोड़ कर जाएगा, ऐसे नहीं लग रहा जैसे, ये देखिए सब ऐसे लग रहे हैं जैसे जैसे चोर खड़े हैं, ऐसे नहीं लग रहा जैसे चोर खड़े हैं, एनीवेज नेवरदलेस, बाकी आप यहाँ से कुछ आते तो टिकट्स वगैरह खरीद सकते हैं यहाँ से, यहाँ से नहीं तो सौरभ के साथ घूमने तो सौरभ के साथ भी घूम सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीवेज यहाँ कहीं नाम लिखा दिखा रहे दिखाई दे रहे क्या सौरभ, यहाँ नाम लिखा नहीं दिखाई दे रहा हमें, हमें बहुत ही बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो ढूंढते जब तक, जब मिलता है तो आपसे फिर मिलते हैं, टिल देन ढूंढते और कुछ नहीं, तो गाइस हम सब आ गए हैव लॉक, और हैव लॉक में अब जाएंगे होटल, देन आफ्टर वहाँ से जाएंगे राधा नगर बीच आफ्टर ब्रेकफास्ट, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, जो भी होगा लेट्स सी, क्योंकि हमें पैकेज के अंदर, तो पैकेज में प्रॉपरली आपको सिर्फ यही मिलेगा, आज नाइट स्टे है हैव लॉक में, देखते हैं हैव लॉक कितना ब्यूटीफुल है, जितना सुना हुआ उतना है या नहीं है, तरफ ही हरियाली है और नारियल के पेड़ हैं बहुत सारे, सुबह इसे क्लास अंदर आ गए हैं, काफ़ी धूप कम हो गई है, मैं भी उल्टा हूँ धूप में, तो बिना चश्मे के और अंदर धूप छाया मैं धूप चश्मे के लगाए घूम रहा हूँ, देखिए सौरभ भी है, सौरभ भी परेशान है थोड़ा सा, क्योंकि इनको मिल नहीं रहा है क्या रूम, इनको इनको बोल दिया रूम नहीं मिलेगा, बाकी ये स्कूटी लेने की सोच रहे हैं एक्टिवा, सर धूप में तो लेकर जा रहा हूँ सर आपको, अरे सर एक्सपोज कर रहा हूँ धूप में, आप देखिए हाँ कितना मर्जी धूप में, ओह वेरी गुड, आइए आइए, अच्छा मतलब धूप कम हो गई जैसे, लेकिन देखिए सर जस्ट इमेजिन यार दिसंबर के महीने में अगर दिल्ली में आप हुए हैं रहते हैं तो आपको पता होगा इस वक्त डबल डबल स्वेटर्स, डबल डबल स्वेटर जैकेट सब डबल डबल होता है, ओह वेरी गुड सर आप तो पूरे सीरियस हो गए, और तो और हमारे मुख्यमंत्री जी का मफलर 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 मैन, ऐसे ओपनली हम ये चीज़ें नहीं बोलते वैसे तो, बट बोल देते कोई बात नहीं, कर लेना सर एडिट वेडिट कुछ नहीं था सर, मैं एडिट करने आपको पता है मैं बड़ा
चीपी टाइप है, मैं है ना चाहता हूँ कि कम से कम एडिट करूँ और एज इट इज डाल दूँ बस। बट यार होटल काफी ठीक लग रहा है मुझे। हाँ, होटल बट मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि चाहते थे वैसा हमें लग रहा है कि वो ऐसे ही है। अंदर से रूम्स वगैरह का बाकी बाद में पता लगेगा, अगर फ्रंट व्यू मिल गया ना मज़ा आ जाएगा। मैं यहाँ पर बैठ के बहुत सारी वीडियोज शूट करने वाला हूँ अगर मिल जाता है तो, अदरवाइज सॉरी है सही बोला। सो गाइस बाकी रूम का, ये होटल काफ़ी क्लासी लग रहा है मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। अक्सर बैठे हुए हैं, देखिए काफ़ी ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। आउटलुक भी काफ़ी ठीक है और फ्रंट व्यू भी है, तो देखना होगा कैसा क्या कुछ होता है आज। शुरुआत तो अच्छी लगी है, बाकी ये मुझे फ्लावर अच्छा लगा। बाकी अगर आप आते हैं और आपको अगर ये पैकेज बोल कर लेकर आते हैं तो पैकेज में आपके साथ ये करते हैं कि आपको बुलाएंगे सुबह सुबह काला पत्थर ले जाने के नाम पर, आपके बैग ऐसे रखवा दिए जाएंगे सिर्फ एक स्लिप के साथ, फिर वो आपकी स्लिप और आप हैं, इसके अलावा और कोई ज़िम्मेदार नहीं है। अब हम बैठ गए हैं थोड़ा, या ब्रेकफास्ट तो करना बनता है ना, बाकी अगर नहीं करेंगे तो सौरवी शक्ल ऐसे हो गई है और ऐसे ही रह जाएगी। अभी फोकस हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे, मुझे इतना नहीं पता है। अदरवाइज़ बाकी व्यू ये भी अच्छा है, बाकी आप यहाँ पीछे खेती वेती कर सकते हैं और करने आ भी सकते हैं। आते ही बड़ी भूख लगी, भूख लगकर खाना खाया आपको पता ही है। खाना खाते ही जैसे ही रूम में आए मैं तो जस्ट सो ही गया, और अभी जा रहे हैं राधे बीच, नहीं सॉरी राधा बीच, राधे राधे हो गया है, राधा बीच जा रहे हैं, राधा बीच देखते क्या कुछ होगा। ऑलरेडी मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट यार सुबह 4 बजे उठना तो नींद बहुत गंदी वाली आती है सुबह 4 बजे उठने के बाद, भाई इंडियन प्रॉब्लम क्या करें। बट कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, लेट्स सी क्या कुछ होता है। बंद कर दिया है, अगेन बहुत ज़्यादा धूप है, वेरी धूप। बंद नहीं हुआ, पोपट हुआ है, लॉक्ड प्रॉपरली, मच नीडेड। खाना खाते बहुत ज़्यादा गंदी भी रहती है, आप सबको पता है कितनी नहीं आती है। बट अभी बोलो ब्यूटी काफ़ी अच्छी है सामने, अब लग रहा है कुछ, हाँ ठीक है कुछ किया है अब तक ट्रक में, सोए हैं मतलब, मुझे लग रहा है मैं पूरी ट्रक में सोया हूँ, सर सो ही रहा हूँ, 2-3 बीज देखे हैं, कुछ नहीं देखा अभी तक। बट हाँ ये होता है अगर आप पैकेज वगैरह लेते तो उसमें बांध देते हैं, प्रॉपरली फूड भी नहीं देते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप अपना सेल्फ लेते हो उसमें ज़्यादा अच्छे से खा सकते हैं। अब मेरा तो सलाह ये है कि बिना पैकेज के आइए, ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंड होगा बट कोई बात नहीं, आप इंजॉय फुल करेंगे, नो वन स्टॉप यू, ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, दैट्स रियली वेरी नाइस, तो यही कीजिए आप। तो बाकी देखते मिलते हैं बीच पर, सो होटल से निकलते हैं और बीच पर जाते हैं। देखिए कितना एक्साइटेड हम, सोकर आए तो भी सोया था क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं सोया, टीवी देखा था कपिल शर्मा का। ओहो ये देखिए यहाँ तो मतलब चलाया और जस्ट सो गए, पूरा 10:30 गए थे, अब 11:30-12 बज जाएंगे अप्रॉक्स, 4 घंटे का टाइम दिया, 4 घंटे में तो यार पानी में तो नहीं गिरा रह सकते, गिर सकते क्या? नहीं, देखते हैं क्या कुछ करते हैं यहाँ पर, बाकी जब तक देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तक इतना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है सर, ऐसा है क्या? एक्साइटमेंट आगे देख के पता चलेगी, अभी यहाँ पे पता नहीं चलता एक्चुअली हमें, आप जैसे हम आगे जाएंगे तब पता चलेगा। वो तो सही बात है एक्साइटमेंट इसलिए, बट ये भी तो होना चाहिए सर कि वहाँ पर आप, अब देखो पूरे दिन में आप सिर्फ एक राधा भी जाएंगे राइट, पूरे दिन 4 घंटे हैं सर, 4 घंटे बस दैट्स इट हो गया, कोई एक्सप्लोरिंग नहीं कुछ नहीं करा, वेरी बैड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एनीवेज चलो देखते हैं, अब मिलते हैं बीच पर। सो गाइस मैंने ले लिया एक हैट, और एक हैट तो पहले से ली हुई थी बट वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, दूसरी वाली ली है, ये थोड़ा अच्छा लुक दे रही है, बड़ा वाला है ना, दैट्स रियली वेरी नाइस। और एक गोगल ले लिया क्योंकि मेरे को मेरी पानी में आँखें नहीं खुलती हैं थोड़ी सी भी, तो यार अब देखते हैं क्या कुछ होगा। बाकी ये देखिए नारियल, काफ़ी सारे नारियल, लॉट्स ऑफ नारियल, नारियल 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 खा सकते पी सकते हैं, खाने के लिए क्या कहते मलाई, हाँ डैट वॉज कॉल्ड मलाई। बाकी वेलकम टू राधा नगर बीच, राधा नगर बीच में आपका स्वागत है, मेरा स्वागत हो चुका है और आपका भी, सो सुस्वागतम,
बाकी रोड पे ना चलें, रोड पे फिल्मिंग करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट आए हैं, टूरिस्ट मीन्स टूरिस्ट, अब तो हम भी टूरिस्ट हैं ना, मैं तो भूल गया, अपने इंडिया में ही टूरिस्ट बन गए हैं। एनीवेज ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे चार्ट्स वगैरह हैं, शॉप्स हैं, तो मैंने देखा काफ़ी मैरिड कपल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, शायद सबका डेस्टिनेशन यही है अंडमान। बट नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से ठंडी जगह जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। एनीवेज वेलकम टू राजनगर बीच, चेक इट आउट। अमेजिंग, इसमें एंजॉय तो करेंगे फॉर श्योर। लेट्स सी, सी द सी अगेन। आपका टाइम वेस्ट कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा, एनीवेज इतना तो बनता ही है। काफ़ी अच्छा है, नाइस। सो देखो यार कहाँ रह गया सौरव, सौरव आ गया, सौरव भैया कैब को सजाते हुए, जचाते हुए, और सौरव सीधा भागे भागे जा रहा है बिना इधर उधर देखें, क्योंकि इसे लग रहा है मैं सीधा वहाँ पानी में घुस चुका, बट नहीं ऐसा नहीं है। सौरव इज़ वेटिंग फॉर मी, नहीं सौरव भाई के साथ खड़ा, दूसरे भाई के साथ। एनीवेज चलते हैं, चले भैया आखिर, बहुत ज़्यादा धूप है दोस्त, इतनी ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं, सहन करेंगे, करनी पड़ेगी, मजबूरी है क्या। नो ओह डाउट तो था ही नहीं ना, डाउट तो हो ही नहीं सकता। बाकी ये सैंड काफ़ी अच्छी है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ वो ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। सौरभ इस बात पे बता दे दोबारा कि आपका दिल ऐसा क्यों किया, जहाँ सबसे ऊंची लहर आप वहाँ जाएंगे। ये देखो फोटो खींचने वाले वाले भैया, सेल्फी लवर अब आजकल थोड़ी देर कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये फोन ये वाला ये आपने देखा हो कभी, मैंने देखता था, मेरे पास था, बहुत ही अमेजिंग था, दैट्स रियली वेरी ऑसम। सिद्धू गुरु छाए रू छाए, भाई को नहीं पता मैं क्या कुछ करता हूँ, मेरे बारे में भी सब जानेंगे धीरे धीरे। एनीवेज टिल देन जस्ट चेक इट आउट, देयर लॉट्स ऑफ गेम प्लेइंग ओवर देयर। बाकी वाव व्हाट अ व्यूज, यहाँ से अगर मुझे नहीं छू पाया पानी इतना सा भी। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स रियली वेरी नाइस यार, इतना एंजॉय तो बनता ही है फॉर श्योर। सौरभ बहुत ही अच्छे से पिक ले रहा है, ये मैं इसके ले रहा हूँ, ये मेरी ले रहा है वीडियोग्राफी, हम दोनों एक दूसरे की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, क्या करें। सो सौरभ जी, हाँ जी बताइए सर। सर मेरा ना दिल मचल रहा है अंदर जाने के लिए। सर बिल्कुल, पर एक बार मम्मी पापा से परमिशन ले लें। ये इन्होंने कर दिया है, बता दिया है, ये इसलिए बताया क्योंकि हम साथ में हैं ना मम्मी पापा के, वो देखो सर जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ गए हैं, अगर आप वहाँ जा सकते हैं और मैं आंटी को पीछे पीछे लेके आऊँगा फिर दिखाऊंगा। यार चलो चलते हैं देखते हैं, मैं अंदर अगर कैमरा लेकर गया तो मैं दिखाऊंगा आपको, बट मेरे हिसाब से थोड़ी दूर ले जाऊंगा क्योंकि माइक का मेरे को हाथ में लेना पड़ेगा पहले तो। एनीवेज चलो यार लेकर चलूँगा आप सबको भी अंदर लेकर चलूँगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराऊंगा पानी का, थोड़ा सा लिटिल बिट, नॉट मोर देन, कि मुझे पता नहीं मेरा वाटर प्रूफ तो है नहीं है कैमरा। बाकी देखिए यार चारों तरफ देखिए, मैं यहाँ की ब्यूटी दिखाना भूल गया आपको, दिख रहा पर फोटो से मतलब है, फोटो आ रही है, आनी चाहिए, दिख नहीं रहा, खाली आए तो सफेद आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा। ओ चश्मा, ये क्यों नहीं बताया मुझे, इधर को मुंह करना सकता भाई, आई कैन पुट माई चश्मा ऑन माई फेस, ओ वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं कहाँ देख लिया था। बाकी मैंने सेल्फी ले लिया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ा आया मुझे अब सेल्फी लेने। अब मैं यार अब से ज़्यादा नहीं वेट करेंगे, चलो जैसा भैया ने बोला मम्मी पापा के पास चलते हैं और पहले परमिशन लेके आते हैं, टेक सम परमिशन फ्रॉम द मम्मी पापा बिकॉज आज भी हम बच्चे हैं। बच्चे हैं ठीक है, पर आई एम मम्मी पापा के साथ। सब क्रिएटिव, सम क्रिएटिव पर्सन इज ऑल्सो देयर। लेट आई विल शो यू। आंटी लगी हुई खुद ही बनाने में कुछ, आई डोंट नो व्हाट बट समथिंग समथिंग। बाकी क्या होगा, आ जा। अरे भाग आ जा, या सौरव रह गए पीछे, या अमेजिंग। ओ गीले होने के लिए आ गए हैं, यहाँ पर गीले होंगे नहीं होंगे ये सेकेंडरी बात है। I forgot कि मेरा माइक है मेरे पास एंड दैट वॉज नॉट वाटर प्रूफ। नीचे माइक भी है। ओ ओ ओ गीला हो गया। सो दोस्तों एंजॉय अ लॉट, पानी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से घूम रहा है पानी, गहरा समुंदर दूर दूर तक समुंदर फैला हुआ है और सौरभ पूजा कर रहा है। मुझे ले रहा सौरभ आ गया बिल्कुल हाफ ऑफ पानी में, हाफ ऑफ पानी से ज़्यादा बिल्कुल आज ब्लू एंड पानी 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 करके लेकर आया हुआ है। वो कह रहा पीछे से वेव आ रही, भागो भागो भागो। ये देखिए बिल्कुल सौरभ आ गया है लेकिन बहुत खुश है, चश्मा वश्मा लगा कर आया हुआ है, कहीं गुम ना हो जाए भाई का चश्मा हो और ऊपर करो। ये होते अगर कभी भी आए तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आए या फिर अलग से प्रॉपरली लेकर आए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा ये पैंट को ही ऊपर करना पड़ रहा बार बार। क्या हो गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल वी आर देसी 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 ना बोला कर छोड़ ही रहा है। ओ या बाकी यार अब इसमें है ना, बस इससे ज़्यादा कुछ शॉट नहीं आ सकता इसमें, आप या तो ऐसे लेट जाओ। यार बस बहुत हो गया, एंजॉय करता हूं मैं, बाय। बिना बोले कुछ नहीं होता। नहीं रोम तो नहीं।
सॉरी गाइस यार, मैं आपको ज़्यादा अपना इंजॉयमेंट नहीं दिखा पाया बिकॉज मैं अकेले ही कब तक यार आपने देखा लास्ट टाइम मैं पूरा रोल हो गया था, उसकी वजह से मुझे लगा कभी कैमरा ख़राब ना हो जाए तो यार प्रिकॉशनली साइड में रख दिया और किसी ने अलग ने शूट नहीं किया क्योंकि सौरभ तो बहुत डर रहा था, बाकी और भी मेरी हेल्प करने वाला है नहीं, सो इसीलिए ये मैंने नहीं किया शूट। एनीवेज देयर इज अ ब्यूटीफुल वॉइस, यू शुड नीड टू बी गेम देयर। ओह माय गॉड, इतनी इंग्लिश एक बार में दोस्तों, यार आपको अवश्य आना चाहिए, थोड़ा टाइम निकाल कर आओ अपने लिए, अच्छा लगेगा आपको डेफिनेटली। आप यहाँ पर अकेले घूमेंगे, चलेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। एनीवेज इस तरीके से आप घूम सकते हैं। कुछ लोग डार्क होने से डरते हैं, क्योंकि डार्क हो जाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये देखिए कुछ लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, नेवरदलेस हमें बस लाइफ को इंजॉय करना है और कुछ नहीं, लाइफ को हमेशा इंजॉय करना चाहिए। बाकी उस पॉइंट पर चलते हैं, एक पॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा पॉइंट लग रहा है, अपर व्यू आएगा। लाइक तो बाकी दोस्तों अगर आज इसके अलावा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली दिखाएंगे। यार मेरे को ब्लॉग्स इतना प्रॉपर हैबिट नहीं, बट ठीक है ब्लॉग के साथ रिएक्शन इज़ ओके। या कुछ फ़न के लिए कर रहे हैं, देखिए मेरा कोई बेसिकली कुछ अलग एम नहीं है, फ़न के लिए इंजॉयमेंट के लिए। अगर कोई लोग पसंद करते दैट्स रियली वेरी नाइस, बट अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो वो भी नाइस है, क्योंकि सबको अपना अपना हक है कुछ भी करने का, राइट। तो दोस्तों एट टिल देन बाय, टेक केयर, अपने दोस्तों ख्याल रखें और इन्जॉय करते रहे, लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, फोर शॉर्ट, बाकी लाइफ को इन्जॉय कीजिए और नज़ारे देखते रहिए लाइफ में। सो दोस्तों यार मैं कहूँगा बाय, टेक केयर योर सेल्फ, गुड नाइट। अगर मैं कहीं और गया तो आपको दिखा दूँगा, अदरवाइज यही ब्लॉग ख़त्म। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, वट एवर जो आप जब भी देख रहे हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, इफ यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यार, एंड डू कमेंट ऑल्सो, गिव योर ऑफिशियल सजेशन कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। बाकी आप जैसा बोलेंगे वैसा तो करते ही यार, नॉट टू मच बट लिटिल बिट, ठीक है, ज़्यादा मैं उतना तो नहीं करता, बट फॉर श्योर अपना जितना हुआ है उतना करेंगे। बाकी इसको हम रख देते हैं, कुछ यूज़ नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया है बेफालतू में, क्योंकि उतना है नहीं, ऐसा क्लियर वाटर तो नहीं था। बाकी मैं तो बोलता ही रहूँगा, तो बाय, टेक केयर, तीसरी बार बोलूँगा गुड नाइट, बाय बाय, कहीं कि दोबारा उठेगा तो मिल जाएंगे, बाय।